हाय, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों, एक गांव का लड़का जो बहुत गरीब परिवार से था, वह शहर की तरफ अपने नौकरी की तलाश में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक नौकरी मिली और वह वहां पे कड़ी मेहनत और लगन से काम करने लगा। उसके कार्य से प्रसन्न होकर के मालिक बहुत प्रभावित हुए। लड़का जब 6 महीने बीत गया तो वह गांव को आना चाहता था। उसने मालिक से कहा, मालिक, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूं, अपने परिवार के बीच में रहना चाहता हूं। मालिक ने कहा, तुम अवश्य चले जाना, पर 2 महीने के बाद एक कार्य कर दो, उसके बाद जब ही वह कार्य समाप्त हो जाएगा तुम गाँव चले जाना। लड़के के मन के विपरीत मालिक ने जवाब दिया था, इसलिए लड़के को गुस्सा आया। फिर भी उसने कहा, जी मालिक, बताइए वह कौन सा कार्य है। मालिक ने कहा कि मुझे एक घर खरीदना है, तुम पूरे शहर में ढूंढ लो, जो तुम्हें सबसे अच्छा घर दिखे वह मेरे लिए खरीद दो। लड़का ढूंढा और ढूंढते ढूंढते उसने 10 दिनों में एक घर खरीदकर मालिक को दे दिया और बताया कि आपके लिए मैंने ये घर खरीद दिया है, मैं घर जा सकता हूँ क्या। मालिक ने कहा, जा सकते हो, पर 2 दिनों के लिए। लड़के ने कहा, मालिक, 2 दिन में तो मुझे आने जाने में लग जाएगा, मैं परिवार के बीच में समय बिताना चाहता हूँ। मालिक ने कहा कि अब तुम अपने परिवार के ही साथ रहोगे, तुम अपने परिवार को गांव से लेते आओ, और जो तुमने घर खरीदा है यह तुम्हें मैं गिफ्ट देता हूँ। यह बात सुनकर के लड़का बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि अगर मुझे पहले पता होता कि यह घर मुझे मिलने वाला है तो मैं और मेहनत करके और ढूंढ करके इससे बेहतर घर ढूंढता। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहला, कि समय निकल जाने के बाद पुनः नहीं मिलता। दूसरा, कि अगर किसी कार्य को करते हैं तो पूरे मन, लगन और ईमानदारी से करें, क्योंकि जो कार्य हम दूसरे के लिए करते हैं नौकर बन करके, वह कार्य पूरे ईमानदारी और मेहनत से मालिक बनकर करें। क्या पता कल के लिए वो सामान अपना हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।